वहीं डीयू में आयोजित सेमिनार का एनएसयूआई लेफ्ट समर्थित आयसा विरोध कर रही है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर यूनिवर्सिटी के भगवाकरण का आरोप लगाया। सेमिनार का विरोध करते हुए एनएसयूआई और आयसा के छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर पोस्टर और तख्तियों के जमकर नारे लगाए हैं। तो जहां एक तरफ सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है तो वहीं एनएसयूआई इसका विरोध कर रही है। सेमिनार का विरोध जमकर किया जा रहा है, पोस्टर के जरिए विरोध जताया जा रहा है। तो राम मंदिर को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ आदित्य नारायण मिश्रा जुड़ गए हैं, पूर्व डूटा अध्यक्ष। इस तरीके से जो राम मंदिर को शिक्षा के मंदिर में लेकर जाया जा रहा है, राम मंदिर के मुद्दे का भगवाकरण किया जा रहा है शिक्षा के मंदिर में, क्या कहेंगे आदित्य जी आप इस पर? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों में साइंटिफिक टेम्पर के पर आधारित चर्चा परिचर्चा और उन तमाम चीजें जिसके पर ऐतिहासिक पुष्टि हो चुकी है या हुआ है उसके ऊपर लेकर के बातें होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसे मुद्दा को लेकर के जो समाज को और संप्रदायों को विभाजित करता हो जी। ऐसे मुद्दों को लेकर के यूनिवर्सिटी में जो चर्चा की जा रही है जी। इससे साफ है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो बीजेपी सरकार है आज के तारीख में, वो शैक्षणिक संस्थानों को अपना ये सांप्रदायिक विभाजन का अड्डा के रूप में बनाना चाहती है जी। इससे समाज को भी क्षति होगा और शैक्षणिक संस्थानों को भी क्षति होगा। सभी लोगों को समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटी को तो कम से कम आप इनको छोड़ देना चाहिए था। ये चर्चा परिचर्चा दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं भी नहीं इस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन कम से कम शैक्षणिक संस्थानों को कम से कम ये इस प्रकार का कार्यक्षेत्र में तब्दील करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आदित्य जी, राम मंदिर सेमिनार का जो आयोजन किया जा रहा है इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है, एनएसयूआई इसका जमकर विरोध कर रही है, तो क्या ये विरोध आगे भी देखने को मिलेगा, आगे किस तरीके से लेकर जाएंगे इसको? ये देखिए, छात्र कोई भी आदमी है, हमने भी इसका विरोध किया है जी, और हमने भी कहा है कि विरोध का परिभाषा हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। हम शिक्षक हैं, हमने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हमने पत्र भी लिखा यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि इस प्रकार का गतिविधि से यूनिवर्सिटी को बचाया जाना चाहिए। देखिए, आज इस सरकार के द्वारा सीबीसीएस के नाम पर सिलेबस बनाने का भी अधिकार यूनिवर्सिटी से इन्होंने छीन लिया है। अब कोई भी 450 यूनिवर्सिटी एक प्रकार का सिलेबस पढ़ाएंगी और वो सिलेबस एक ही जगह से बनेगा। सारे यूनिवर्सिटीज को इन्होंने स्कूल में तब्दील कर दिया। सारे विश्व में किसी भी दो यूनिवर्सिटी का एक समानांतर सिलेबस नहीं है जी। तो आदित्य जी, ये जो सारी समस्याएं आप बता रहे हैं और इसके अलग एक और ही राम मंदिर का जो मुद्दा खुद शिक्षा के मंदिर में किया जा रहा है, इस पर क्या स्टैंड होगा टीचर्स का भी? हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं जी। हर शिक्षक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखता है, और ज्यादातर 99% लोग इसमें विश्वास रखते हैं, हर किसी ने इसका इसलिए विरोध करना चाह रहा है क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से भगवाकरण का डायरेक्ट एजेंडा को ये यूनिवर्सिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और खाली इससे नहीं, जिसमें समाज में तनाव बढ़े उस प्रकार का इरादा से ये सारी कार्य हो रहा है। आदित्य जी, आपको रोकना चाहूंगी, कमलजीत सहरावत हमारे साथ जुड़ गई है जी, प्रेसिडेंट महिला बीजेपी, इनसे हम जानना चाहेंगे शिक्षा के मंदिर में राम मंदिर को लेकर जो ये सियासत की जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर, कितनी सही है ये? ये देखने का नजरिया है जी। यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कि देश का युवा और देश की भावी शक्ति होती है, और उसके विचारों को जानना और उन पर डिबेट करना मुझे लगता है बहुत ही प्लस है। अभी कहा गया कि ये साइंटिफिक मुद्दा है, और इस मुद्दे पर जो यहाँ पर बात, मेरा मानना है कि अगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के बीच में जाकर इस बात को रखा जाए, क्योंकि वहां पर मंदिर बनेगा नहीं, लेकिन राय का निर्माण तो वहां से अगर होता है, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, वो किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन राय को
लेना यूनिवर्सिटी में जाकर मुझे लगता है बहुत प्लस पॉइंट है, लेना ही। देखिए कमलजीत जी, राम मंदिर का जो मुद्दा है बेहद ही सियासत में रहा है, राजनीति इस पर लगातार होती रही है, अभी से नहीं बहुत पुराना ही मुद्दा है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में इसको उठाने का क्या मतलब? छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि हमेशा इसका विरोध रहा है, ये हिंदुस्तान है, राम यहाँ के एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनको हमेशा से स्वीकार किया गया है। आज अगर उस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी में बातचीत की जाती है तो इसमें नुकसान की बात कहाँ पर आ जाती है? छात्रों से उनकी राय को जानना कहाँ लगता है कि इससे कोई भगवाकरण हो गया? राम एक ऐसी शक्ति के रूप में हमेशा याद किए गए हैं, कहा जाता है कि राम राज्य हम बनाएंगे, तो एक अच्छी आदत। बिल्कुल कमलजीत जी, राम मंदिर जो है वो एक मुद्दा है, एक गंभीर विषय है और उस पर लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन उसको स्टूडेंट पर थोपना, युवाओं पर थोपना, ये तो सही नहीं है ना? यहाँ पर आप गलत कह रहे हैं, यहाँ पर थोपा नहीं जा रहा है, उनके साथ चर्चा की जा रही है, डिबेट की जा रही है। लेकिन उस चर्चा का विरोध भी तो हो रहा है ना, अगर डिबेट करना है, डिबेट दोनों तरफ से होता है कमलजीत जी, और यहाँ पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। विरोध कर रहे हैं तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाकर बात कहनी चाहिए। माफी चाहता हूँ, मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट, कॉमर्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें जो लेटेस्ट रिसर्च है, कंप्यूटर साइंस में जो लेटेस्ट रिसर्च है उसको लेकर के, या गवर्नेंस कैसे की जाएगी, पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंट का फंक्शनिंग को लेकर के कोई चर्चा परिचर्चा हो तो समझ में आती है जी। उच्च शिक्षा का हित के बारे में चर्चा हो तो समझ में आती है, लेकिन जिन मुद्दों ने पिछले समय में समाज को विभाजित किया है, सड़कें पर, सड़कों के ऊपर खून बहा है, लोग तनाव में रहे हैं, लोग असुरक्षित रहे हैं ऐसे मुद्दा का डिस्कशन के बाद और इस प्रकार का मुद्दा को सामने लाने के बाद, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। कमलजीत जी, आप क्या जवाब देंगे इसका, जो ये सवाल उठाया है कि जो गंभीर विषय है उन पर चर्चा नहीं की जा रही है, राम मंदिर जिस पर हमेशा विवाद रहा है उस पर चर्चा की जा रही है? यहाँ पर मेरा कहना इतना बनता है, आज विज्ञान में जो रिसर्च डेवलपमेंट है उसको लेकर के चर्चा करिए तो समझ में आता है। अपनी जगह है, कॉमर्स की चर्चा अपनी जगह है, लेकिन देश में जो करंट इश्यूज हैं, जिसके अंदर आपने कहा कि ये प्रमुखता से एक विषय रहा है, उसके बीच में जाकर छात्रों से बात करना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको दोबारा कहना चाहती हूँ कोई निर्माण नहीं हो रहा है, एक चर्चा हो रही है, विरोध यहाँ पर हो रहा है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।